हेलो फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर ममता राठी आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स फ्रेंड्स कैपिटल बजेटिंग में जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स होती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू से हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम देख लिया था आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का सेकेंड प्रॉब्लम लेकर आए हैं तो हम सॉल्व करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम रीड करते हैं हमारे इलेस्टेशन को तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेंगे अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल अ मशीन एट अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ फाइव द एस्टिमेटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेशन आर एज फॉलोज अब हमें जो कैश इन्फ्लोज दिए हुए हैं वो दो मशीन्स के दिए हैं मशीन ए एंड मशीन बी जो कैपिटल कॉस्ट है मशीन का वो दिया गया है फाइव लाख रुपीज़ का दोनों भी मशीन का फाइव लाख रुपीज़ का क्या कैपिटल कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट है फाइव इयर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है मशीन वन यम वन एंड मशीन यम टू की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ वन एट द रेट टेन परसेंट तो फाइव ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ये प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू का एक टेबल होता है जिस तरह से हमारे पास लॉग टेबल अवेलेबल होता है उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू का भी एक टेबल होता है तो उस टेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है यानी कि हर वन रुपी टू रुपी थ्री रुपीज़ की टेन परसेंट से फाइव परसेंट से फिफ्टीन परसेंट से ट्वेंटी परसेंट से क्या वैल्यूएशन आती है उसका कैलकुलेशन करके रखा हुआ है और उसका एक टेबल बना हुआ है प्रेजेंट वैल्यू का तो उस टेबल में से यह वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली जो वैल्यूज हैं वो दी जाती है अब बहुत बार ये होता है कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये प्रॉब्लम में आपको बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम में उसे सॉल्व करना इजी हो जाए या फिर एन पी वी वैल्यू टेबल वैल्यू जो होता है एक फॉर्मूले के साथ ये एन पी वी का वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं लेकिन ये जो टेबल है वो टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और वो अवेलेबल होता है तो जो वैल्यूज़ होती है वो यहाँ पर हमें दी गई है तो उस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे हमें बताया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एन पी वी एट डिस्काउंट रेट ऑफ़ टेन परसेंट फॉर बोथ दीज अल्टरनेटिव मॉडल्स अब ये जो दो मॉडल्स हैं हमारे पास मशीन एम वन एंड ये एम टू के इनके हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द डिस्काउंट रेट ऑफ़ टेन परसेंट हमें निकालना है तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है कैश इन्फ्लोज हमारे पास है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है अब हमें क्या करना है तो वन रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे हमें कंपेयर करना है हमारी मशीन एम वन एंड मशीन एम टू के प्राइसेस के साथ तो ईयर वाइज हम ये टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर हमारी एन पी वी को कैलकुलेट करेंगे तो शुरू करते हैं हमारी सोल्यूशन पार्ट को हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर हम करेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्पिटिशन करने के लिए सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे ईयर का सेकेंड कॉलम हमारा होगा पी वी फैक्टर जो कि है जीरो पॉइंट टेन यानी कि रुपी वन एट द रेट टेन परसेंट से अब मशीन वन एंड मशीन टू हमारे पास है जिसमें हम क्या करेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स और टोटल पीवी को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों मशीन का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे एक ही टेबल में सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉमेसन है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पुट कर देते हैं हमें ईयर दिए हुए हैं फाइव ईयर्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो वो फाइव ईयर्स हम ईयर की कॉलम में पहले लिख देते हैं साथ ही साथ जो पी फैक्टर हमें प्रॉब्लम में दिया गया है वो पी फैक्टर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारी कॉलम पी फैक्टर में जो कि है फर्स्ट ईयर के लिए पॉइंट नाइन ईयर के लिए पॉइंट थर्ड ईयर के लिए पॉइंट सेवन फाइव वन फोर्थ ईयर के लिए पॉइंट सिक्स एट थ्री एंड फिफ्थ ईयर के लिए पॉइंट सिक्स टू वन अब मशीन यम वन की अगर बात करें तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेशन जो है वो हमें प्रॉब्लम में बताया गया है तो मशीन यम वन की जो अमाउंट है हर ईयर की उसे हम लिख देंगे फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट है वन लैख फोर्टी थाउजेंड सेकेंड ईयर की अमाउंट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड थर्ड ईयर में टू लैख टेन थाउजेंड फोर्थ ईयर में वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड फिफ्थ ईयर में वन लाख रुपीज़ अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालनी है मशीन एम वन की तो हमें क्या करना होगा हमारे पीवी फैक्टर के साथ हमारे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई करना होगा यानी कि वन रुपी का हमारा वैल्यूएशन हमें पीवी फैक्टर में दिख रहा है तो हमें वन लाख फोर्टी थाउजेंड का वैल्यूएशन कितना होगा इसे कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर देते हैं पी वी फैक्टर इन सी एफ ए टी तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन होगा वो पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन लाख फोर्टी थाउजेंड टोटल पी आता है हमारा वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी का सेकेंड ईयर में ज़ीरो पॉइंट एट टू सिक्स वन वन लाख सिक्सटी थाउजेंड अमाउंट आएगी टोटल पी की वन लाख थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी थर्ड ईयर में जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन इंटू टू लाख टेन थाउजेंड टोटल पी अमाउंट आएगी वन लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड टेन फोर्थ ईयर में जीरो पॉइंट सिक्स एट थ्री इंटू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट आती है टोटल पी वी वन लैख टू टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी फिफ्थ ईयर में जीरो पॉइंट सिक्स टू वन इंटू वन लैख अमाउंट आएगी टोटल पी वी की सिक्सटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया तो हमारी जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है उस टोटल प्रेजेंट वैल्यू को निकाल दिया अब ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है मशीन यम वन की फाइव ईयर्स की अब मशीन यम टू में हम क्या करेंगे सेम कैलकुलेशन करेंगे और मशीन यम टू के जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करेंगे अब मशीन यम टू के टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से पी फैक्टर लगेंगे जो कि हमें सेकेंड कॉलम में दिख रहे हैं तो मशीन एम टू के जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है उसे हम पहले लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रॉब्लम में देख ली है तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है नाइन्टी थाउजेंड सेकेंड ईयर की अमाउंट वन लैख एटी थाउजेंड थर्ड ईयर की अमाउंट टू लैक फोर्टी थाउजेंड फोर्थ ईयर की अमाउंट वन लाख सेवेंटी थाउजेंड फिफ्थ ईयर की अमाउंट है वन लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज अब हम क्या करेंगे पीवी फैक्टर को और कैश आफ्टर कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मशीन टू के टोटल पीवी हमें मिल जाएंगे तो हम निकालते हैं जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन इंटू नाइन्टी थाउजेंड अमाउंट आएगी फर्स्ट ईयर के लिए एटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड टेन सेकेंड ईयर में जीरो पॉइंट एट टू सिक्स इंटू वन लैख एटी थाउजेंड अमाउंट आएगी वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी थर्ड ईयर में जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन इंटू टू लैख फोर्टी थाउजेंड अमाउंट आएगी वन लैख एटी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर्थ ईयर में ज़ीरो पॉइंट सिक्स एट थ्री इंटू वन लाख सेवेंटी थाउजेंड अमाउंट आएगी वन लाख सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन फिफ्थ ईयर में जीरो पॉइंट सिक्स टू वन इंटू वन लाख फोर्टी थाउजेंड टोटल पीवी की अमाउंट आएगी हमारी एटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी तो इसी तरह से मशीन एम वन एंड मशीन यम टू के टोटल प्रजेंट वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं अब हम करेंगे जो फाइव इयर्स की अमाउंट हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू की है उनकी टोटल कर देंगे यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर पाँचों ईयर की मिलके टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीनियम की वो आती है हमारी फ़ाइव लैख एटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी और मशीन टू की वैल्यू आएगी हमारी सिक्स लैख थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे इसमें से हमारा जो इनिशियल आउटले है उसे माइनस कर देंगे सो so, लेस इनिशियल आउटले जो कि है फाइव लाख रुपीस का जो हमें प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी गई है इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है मशीन यम का एटी एंड मशीन यम टू का वन लैक थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी रुपीज़ अब फ्रेंड्स नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है उसको हम प्रीफर करते हैं परचेज के लिए तो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मशीन यम टू का ज़्यादा है मशीन यम वन के कंपैरिजन में इसीलिए हम यम टू को प्रीफर करेंगे तो कंक्लूजन में हमने दे दिया है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ यम टू इज मोर देन द एन ऑफ़ यम वन देयर फोर यम टू इज प्रिफरेबल मशीन टू परचेज सो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने नेट प्रजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया दोनों अल्टरनेटिव मॉडल्स एम वन एंड एम टू में और हम लोगों ने उसका कंपेरिजन भी किया और कंपेरिजन करके कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रीफरेबल है ये हमने बता दिया तो बहुत ही आसानी से नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं आसान सी से स्टेप्स है इसमें और आसान से कैलकुलेशन से हमारी नेट प्रजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करने आ जाती है तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इन वीडियोस को इन प्रॉब्लम को ठीक से सॉल्व कीजिए इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए हम लोग फिर मिलेंगे थैंक यू